जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। तो दोस्तों, टाटा आईपीएल 2023 में आज महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग बनाम सनराइजर हैदराबाद के बीच में। और बता दें कि इस महामुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग के लिए दो बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला खबर का बात करें तो दोस्तों, यह जुड़ा हुआ है मुकेश चौधरी को लेकर। यह दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि चोट की वजह से मुकेश चौधरी रूल आउट हो गए थे आईपीएल 2023 से, और उनके ही जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर आकाश सिंह को शामिल किया था चेन्नई सुपर किंग। लेकिन जो सबसे बड़ी अब अपडेट निकल के आ रही है मुकेश चौधरी को लेकर, यह है कि वह फिर से चेन्नई सुपर किंग के कैंप को ज्वाइन कर लिए हैं। या दोस्तों, बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं और साथ में रह भी रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह हो सकता है भले ही मुकेश चौधरी रूल आउट हो गए हो, लेकिन रूल इन भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुकेश चौधरी को फिर से रूल इन करेगी चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2023 के लिए या नहीं है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर का बात करें तो दोस्तों, यह जुड़ा हुआ है बेन स्टोक्स को लेकर। या दोस्तों, बेन स्टोक्स को लेकर बेहद ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, और खबर है कि बेन स्टोक्स 100% फिट हो चुके हैं और SRH के खिलाफ खेलते हुए नजर आ सकते हैं अगर MS धोनी उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दे तो। तो दोस्तों, यह दो बेहद ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।